मैं राजकुमार हूँ, संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा राजस्थान से। आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में जिस तरह से आज 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है संविधान की, लेकिन संविधान के अंदर आदिवासियों के हितों के लिए 5वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है उसको आज तक धरातल पर लागू नहीं किया गया है। तो हमारी पार्टी की तरफ से डायरेक्शन है कि हमें जिस तरह से आज 75वां सालगिरह मना रहे हैं लेकिन आज भी धरातल पे 5वीं अनुसूची के अधिकारों को लागू नहीं किया गया है, जिसकी वजह से आदिवासियों को कई बार विस्थापित होने पे मजबूर होना पड़ता है, उनका जीवन यापन करने में परेशानी आती है और बार बार जो विस्थापन का शिकार होते हैं। पैसा एक्ट लागू किया गया है लेकिन पैसा एक्ट को धरातल पे लागू नहीं किया गया आज तक। पैसा एक्ट बनाया जरूर गया है लेकिन उसको धरातल पे लागू नहीं किया गया है। देश के अंदर योजनाएं बनती है, योजनाएं जनसंख्या के हिसाब से बनती है, तो लंबे समय से जनगणना को लेकर जो डिमांड चल रही है, तो हमारी जो पार्टी की तरफ से डायरेक्शन है कि जल्दी से जल्दी जनगणना की जाए ताकि हमारे देश की जो योजनाएं बन रही है योजनाओं को एक सुव्यवस्थित तरीके से योजना बनाई जाए। तो हमारा आज विशेषकर हम लोग संविधान दिवस मना रहे हैं लेकिन संविधान की 5वीं अनुसूची को लागू नहीं किया गया, जिससे पूरे देश के आदिवासी या दलित वो कहीं न कहीं चिंतित हैं और एक आस लगा के बैठा हुआ है कि 75 साल हो गए लेकिन आज तक हमारे जो संविधान को धरातल पे लागू नहीं किया गया है, जिन समस्त मांगों को लेकर हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। राजकुमार जी, आप खुद एक ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं, देश की राष्ट्रपति जो प्रथम नागरिक है वो भी ट्राइबल कम्युनिटी से आती है, तो क्या अपनी मांग को लेकर राष्ट्रपति बैठे हुए हैं और देश के आदिवासियों के हितों के लिए जो शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 का जो प्रावधान है वो लागू नहीं हो पाया है। हमने कई बार उनको ज्ञापन के माध्यम से दिया गया है। मेरे संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा में जब राष्ट्रपति महोदय का मानगढ़ पे दौरा हुआ था, मैंने ज्ञापन के माध्यम से उनको कहा गया है कि 5वीं अनुसूची को लेकर आप लोग स्ट्रिक्टली डायरेक्शन दे राष्ट्रपति महोदया जी, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का डायरेक्शन नहीं दिया गया है। तो हम लोग एक पूरा देश खुशी मना रहा है कि एक देश के सर्वोच्च पद पे आदिवासी राष्ट्रपति महोदय, लेकिन वो आदिवासियों के हितों के हित में जो शेड्यूल 5 का प्रावधान है उसको लागू नहीं कर रहे हैं। तो इन समस्त मुद्दों को लेकर हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं।